नमस्ते किसान भाइयों, हमारे चैनल धूमधाम एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजवाइन की खेती के बारे में। मैं आपको अजवाइन की बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी प्रोसेस की जानकारी दूंगा। चलिए हम बिना किसी देरी के बात करते हैं अजवाइन की खेती के बारे में। अजवाइन की बुआई का जो समय है वो अगर हम देखें तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीन महीने आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट महीना अगर आप हमारे से पूछें तो हम बताएंगे कि आप अक्टूबर माह में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसके लिए मौसम कैसा होता है, तो इसके लिए शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। न तो अधिक ठंडा मौसम होना चाहिए, न अधिक गर्म मौसम होना चाहिए। खेत तैयार करने की बात करें तो मिट्टी जो है वो एकदम दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें खेत की मिट्टी जो है वो थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी बुआई किस प्रकार करते हैं। बुआई जो है दो प्रकार की विधियों से की जाती है, एक छिड़काव विधि होती है, एक कतार विधि होती है। छिड़काव विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, बीज को छिटक कर बीज बोते हैं, फिर उसको अपन दूरी और पास पास ज़्यादा हो जाए तो उसकी दूरी भी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम कतार की बात करें तो कतारों में क्या होता है कि आप दो कतारों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और अगर हम पौधे के बीच की दूरी देखें तो पौधे के बीच की दूरी क्या होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और यह बहुत ही कम पानी की रब्बी की फसल है, इसमें बहुत ही कम लागत आती है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। आप उचित वैज्ञानिक तकनीकी प्रयोग करके इस फसल का क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और इसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने टाइम में यह फसल पककर तैयार हो जाती है, तो लगभग 170 से 80 दिन के अंतर्गत क्या हो जाती है, फसल पककर तैयार हो जाती है। और फसल जो है इसके पककर तैयार होने में भी क्या होता है, अलग अलग उन्नत किस्म के बीजों का योगदान होता है। अब हम बात कर लेते हैं दो प्रकार के, मैं आपको यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों को बताऊँगा जो आप बुआई कर सकते हैं उनकी। पहली उन्नत किस्म का बीज जो है वो है लाम सिलेक्शन फर्स्ट। उपज इसकी होती है 8-9 क्विंटल पर हेक्टेयर और पकने का अगर हम टाइम देखें तो 145 से 150 दिन के आसपास होता है। और सेकंड नंबर पे मैं आपकी बात करूँ तो RA180, इसका जो पकने का जो टाइम होता है 170 से 180 दिन होता है, यानी कि लगभग 5 से 6 महीने होता है। और इसके दाने बहुत बारीक होते हैं परंतु सुगंधित होते हैं, 10-11 क्विंटल पर हेक्टेयर यह हो जाता है। अब हम बात करें इसके अंतर्गत प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसके प्रमुख रोगों की अगर हम बात करें तो पहला रोग जो इसके अंतर्गत होता है वो होता है झुलसा रोग। झुलसा रोग जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और अधिक अगर प्रकोप हो जाए झुलसा रोग का तो पत्तियाँ जो हैं वो झुलस जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंकोजेब जो आता है ना उसका 2 ग्राम पर लीटर पानी पर क्या करना चाहिए, पानी मिलाकर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे यह रोग खत्म हो जाता है। दूसरे रोग की बात करें एक आता है छाछा रोग। यह रोग जो होता है इसके अंतर्गत पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण टाइप का जम जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि घुलनशील गंधक जो है उसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर में मिलाकर 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता पड़ने पर आप इसे 15 दिन में दोहरा भी सकते हैं, तो इस फसल में ज़्यादा रोग भी नहीं लगते हैं। यह कम लागत की क्या होती है, मसाला फसल है और आप अच्छी तकनीक अपना करके क्या कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। और हम बात करें एवरेज उत्पादन कितना होता है इसका, तो 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है और इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप अजवाइन की खेती कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे।